आज दक्षिण भारत के केरल राज्य में ओनम का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं केरल के अपने सभी भाई बहनों को इस ओनम के त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। आज 15 सितंबर 2024 को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अपने स्थापना के 40 वर्ष कामयाबी से पूरे करने जा रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना आज से ठीक 40 वर्ष पहले 15 सितंबर 1984 को कर्नाटका के बेंगलोर में कांग्रेस के अधिवेशन में हुई। इसकी स्थापना देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई। हम आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लेते हैं कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस देश की आधी आबादी महिलाओं की आबादी के संविधान में मिले आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए संघर्षरत रही है और संघर्षरत रहेगी। महिला कांग्रेस के आज स्थापना दिवस पे देश के हर राज्य और हर जिले में इस समय जश्न का माहौल है। इन 40 सालों में महिला कांग्रेस ने बहुत कठिन सफर तय किया, संघर्ष आए, चुनौतियां सामने आई, लेकिन महिलाओं के हक अधिकारों को लेकर महिला कांग्रेस संघर्षरत रही, जिसके लिए मैं तमाम देश की अपनी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूं। आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने हमें अपना एक संदेश भी भेजा है, ट्वीट भी भेजा है, मैं उसे पढ़ना चाहती हूं। आदरणीय मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब कहते हैं, आधी आबादी को पूरा हक मिलना एक संवैधानिक दायित्व है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारे देश की नारी ने आजादी की लड़ाई से लेकर अंतरिक्ष की उड़ान तक राष्ट्र निर्माण में अपना बराबरी का योगदान दिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो सड़क से लेकर संसद तक हमारी महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करे और महिला सुरक्षा, महिला असुरक्षा, कार्यस्थल में भागीदारी, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक शोषण, असमानता और स्त्री द्वेषी मानसिकता के खिलाफ मजबूती से लड़े। महिला कांग्रेस स्थापना दिवस पर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इन बधाइयों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी हमें एक संदेश दिया है, जो मैं आप सबके बीच में पढ़ना चाहती हूं। श्री राहुल गांधी जी का हमें संदेश पूरा एक पन्ने का भी आया है, जिसे हम अभी जारी करेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। आपका अथक परिश्रम भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। उनके सम्मान, समानता और सुरक्षा के लिए आपके संघर्ष और समर्पण को सलाम है। हम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करते हैं। हमारे पास कांग्रेस के महासचिव संगठन प्रभारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का भी शुभ संदेश आया है। हम आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का भी उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में मेरे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा जी हैं, उमा सोनी जी के पास इंचार्ज हैं और मिस्टर खालिद का हम महिला कांग्रेस खास तौर से धन्यवाद करना चाहते हैं। आज महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पे हम महिला कांग्रेस की वेबसाइट जारी करने जा रहे हैं। आप देखेंगे हमारी महिला कांग्रेस की वेबसाइट, जिसका एड्रेस है आपके सामने है, और इस वेबसाइट के साथ आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पहली बार देशव्यापी ऑनलाइन सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है।
सो आप देश भर की बहनें जो पूछती थी महिला कांग्रेस से जुड़ना है कैसे जुड़ें, तो अब उनके लिए आसान हो गया है। आप देश के किसी भी कोने पर बैठी हैं, आप विदेश में भी हैं, भारतीय हैं पर वहां पर भी हैं, किसी गांव में, जिले में हैं, शहर में हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। हमारी आज वेबसाइट की हम शुरुआत करने के साथ साथ हम आज देशव्यापी पहली बार महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक क्लिक से देश की तमाम बहनें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सदस्य बन जाएंगी। मैं आप सब बहनों से, देश के हर बहनों से, आदि आबादी से निवेदन करूंगी, अपील करूंगी, आइए जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपना हाथ हमारे इन मजबूत हाथों में। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके साथ किसी तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है, आपको किसी तरह की कोई सहायता मदद चाहिए, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पूरी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। मैं यहां पर आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की वेबसाइट की के साथ देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत करती हूं। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, देश की तमाम महिलाओं को, और इसी के साथ देश के हर राज्य की हमारी जो मुख्यालय है वहां पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय मुझे देख और सुन भी रही होंगी, हमारी देश की तमाम जिला अध्यक्ष जो मुझे देख और सुन रही होंगी, इंतजार था कि राजधानी दिल्ली से ये सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, हम उसकी शुरुआत आज करते हैं। और मैं कहूंगी सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हर गांव में बैठी हमारी बहन से आज हम इस तरह से जुड़ेंगे। वेबसाइट सदस्यता अभियान के बाद महिला सदस्यों के लिए एक विशेष लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी हम आज जो है शुरुआत करने की घोषणा करते हैं। जितनी भी महिलाएं महिला कांग्रेस की सदस्य बनेंगी उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हम जल्द करने जा रहे हैं। मकसद है कि 33% महिला आरक्षण कानून बनने के बाद से महिलाओं का निरंतर प्रयास और संघर्ष हमारा रहा है कि आरक्षण कानून बन गया लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। हमारा निरंतर केंद्र की सरकार पर यह दबाव है और यह दबाव बना रहेगा कि महिला आरक्षण कानून जो बना है उसे लागू किया जाए। स्वाभाविक है ये लागू होगा तो देश की तमाम हमारी आधी आबादी को चुनाव लड़ने का, विधायक सांसद बनने का और सदन में कलम चलाने का, फैसलों में भागीदारी का भी जो है वो अवसर मिलेगा। इसलिए महिला लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम ऐलान करते हैं, हर सदस्य को हम प्रदेश से शुरू करेंगे, हर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणियों को इस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा, हर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा। और इसी के साथ जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई बहनें हैं उन्हें भी हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पूरी तरह सशक्त बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, ताकि किस तरीके से संगठन निर्माण, चुनाव लड़ना, जीतना, प्रशासनिक काम कैसे होते हैं, कानून कैसे बनते हैं विधानसभा, लोकसभा में, इस ट्रेनिंग कार्यक्रमों में इन सब के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं और इसी सदस्यता अभियान की आज हम देशव्यापी ऑनलाइन शुरुआत करते हैं।